प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले। आज एक और ये अवसर हमें परमेश्वर ने दे दिया कि हम परमेश्वर के वचनों से अपने जीवन में आशीष पाएं, और सच में परमेश्वर का वचन हमें आशीष की ओर लेकर जाता है। नीति वचन की किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 24वें वचन को हम पढ़ते हैं। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। मन भावने वचन, ऐसे वचन, ऐसे बातें, ऐसे शब्द सुनने वालों को मधु भरे छत्ते के समान मिठास और उनका प्राणों में, उनका मन के अंदर, सुनने वाले के मन के अंदर, सुनने वाले की भावनाओं के अंदर, सुनने वाले के हृदय के अंदर ऐसे लगते हैं मानो जो मधु भरा छत्ता, ग्रेशियस वर्ड्स आर ए हनीकॉम्ब, हालेलुया। काइंड वर्ड्स आर लाइक हनी। ये जो काइंड वर्ड्स या फिर ग्रेशियस वर्ड, किसी पर दया करने वाले, किसी पर अनुग्रह करने वाले शब्द सुनने वालों को ऐसे लगते हैं जब वो दया की बातें सुनते हैं, जब वो अनुग्रह की बातें सुनते हैं, तो सुनने के समय सुनने वालों का मन में ऐसे लगते हैं स्वीट हनीकॉम्ब, वो मधु शहद के समान उन्हें लगते हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में जाकर प्रचार करने के लिए गए, यीशु मसीह ने जो पुस्तक खोला और प्रचार कर दिया और पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में देकर बोल दिया, ये वचन आज पूरा हुआ। उसके बाद यीशु मसीह जाकर बैठ गए, तब उस सभा में जितने लोग सब थे वो सब एक दूसरों से कहने लगे, कैसी अनुग्रह की बातें इनके मुख से निकलती है। सुनने वालों के मन में ऐसे लग रहा है ओ, ये बचाने वाली बातें, ये हमें संभालने वाली बातें, ये हमें प्रेम करने वाली बातें। ग्रेशियस वर्ड्स आर हनीकॉम्ब, ग्रेशियस बातें। हमारी बातों में हम किसी पर इल्ज़ाम, इसने इस पर ये इल्ज़ाम है, इस पर ये दोष है, इस पर ये आरोप है, ये सब बातें होते हैं। लोग गलतियां करते हैं, लोगों से गलतियां होते हैं, लेकिन ग्रेशियस बातें, ग्रेशियस वर्ड्स, उसकी गलती को कैसे माफ़ करना है, कैसे उसको क्षमा करना है, कैसे उसको उस अवस्था से निकालना है, बचाना है, वैसे बचाने वाले शब्द, बचाने वाले ग्रेशियस। हाँ, इन्होंने गलत किया है लेकिन क्षमा कर दो, इंसान है, गलती हो जाते हैं, परमेश्वर ने क्षमा किया, हम भी क्षमा करें। ऐसी बातें सुनते ना जब वो व्यक्ति, ऐसे लगता है कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं। लेकिन हम 16वां अध्याय 27 वचन, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है, लिखा है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्तियां निकालते हैं, मतलब कोई व्यक्ति की बुराई, उसने गलत किया है तो गलत किया है सजा देना है, इसको नहीं छोड़ना है, इनको सबक सिखाना है, बुराई की युक्तियां, फिर योजना बनाते कैसे इसको सबक सिखाएं, कैसे इसको गिराएं, कैसे इसकी हानि हो, ये सब युक्तियां निकालते हैं और उसके वचनों से आग लग जाती है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, कितना सुंदर है ये जो ग्रेशियस वर्ड, काइंड वर्ड हमारे मुख से सुनने वाले उनकी हड्डियां हरी भरी हो जाएंगे, उनके बॉन्स चंगे हो जाएंगे। काइंड वर्ड्स, हालेलुया, आर लाइक हनी, स्वीट टू द सोल एंड हेल्थी फॉर द बॉडी। आमेन। हम आग लगाने वाले नहीं हैं, हम लोगों को आशीष देने के लिए, लोगों को शांति देने के लिए, लोगों को संभालने के लिए वही है
आई मीन ग्रेशियस वर्ड्स, काइंड वर्ड्स, हालेलुया। हम ना प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे शब्द ग्रेशियस शब्द होने पाए, ग्रेशियस वर्ड मेरे मुख से आने पाए, काइंडनेस के वर्ड मेरे मुख से आने पाए, ताकि सुनने वालों को मीठा लगे और वो चंगे हो जाए, उनकी हड्डियों में आमीन हरी भरी वो हो जाए। हम प्रार्थना करेंगे, पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जैसे यीशु मसीह आमीन उस सभा में, उस आराधनालय में प्रचार किया, सुनने वालों ने कहा कैसी अनुग्रह की बातें इनके मुख से निकलती हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे मुख से ऐसे ही शब्द निकलने पाए कि सुनने वालों के हृदय में, मन में वो मधु के समान मीठे लगे परमेश्वर, और प्रभु सुनने वालों की हड्डियां भी हरी भरी हो जाए। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते आमीन, जैसे आमीन दूसरे जो प्रभु आपको ना जानने वाले आमीन ऐसे आग लगाने वाली बातें, झगड़ा उठाने वाली बातें, वो बातें हमारे मुख से कभी ना होने पाए परमेश्वर, वरन प्रभु यीशु लोगों की आशीष की बातें और लोगों की प्रभु जी हालेलुया शांति की बातें वो हमारे मुख से निकलने पाए। पिता परमेश्वर आपके वचनों को आप हमारे मुख में डाल दीजिए, और धन्यवाद देते प्रभु आज की सुबह के लिए जितने लोग इस संदेश को सुन रहे, सबके जीवन में आमीन आशीषित आए, परिवारों में वो मिठास आ जाए, सबकी हालेलुया हड्डियां हरी भरी हो, शरीर में चंगे भले रहे, सबको आशीष दे प्रभु, आशीष किया, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड।